हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू आर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नीट एप्लीकेशन फॉर्म में जो करेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है उसमें स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे कि हमें क्वालिफिकेशन कोड क्या भरना है, किस हिसाब से भरना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, नीट की तरफ से, NTA की तरफ से ये बात क्लियर है कि क्वालिफिकेशन कोड्स की वजह से किसी का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वालिफ़िकेशन कोड सही से भरे आप, तो मैं आपको बताता हूँ 1 से 7 तक जो भी क्वालिफ़िकेशन कोड हैं कैसे भरने हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो चलिएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोड 1 की। तो कोड 1 उन स्टूडेंट्स को भरना है जो 12th की पढ़ाई कर रहे हैं और उनका रिज़ल्ट इसी साल 2019 में आने वाला है। यानी कि सारे अपियरिंग स्टूडेंट्स को कोड 1 भरना है, जो उनके अभी 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम और 2019 में रिज़ल्ट आएगा उनको कोड 1 भरना है। तो समय ना बर्बाद करते हुए जल्दी से कोड 2 की बात करें, तो सभी 12th पास स्टूडेंट्स बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से बीएससी करने वालों को छोड़कर जितने भी 12th पास स्टूडेंट्स हैं, रिपीटर हैं, ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, चाहे कितना भी गैप हो गया उनको 12th पास करे हुए, उन सभी को कोड 2 भरना है। कोड 3 की बात करें तो कर्नाटक स्टेट से 12th पास स्टूडेंट्स अगर कोड 2 भी भर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है। कोड 3 भरना है उनको जो कर्नाटक स्टेट से जिन्होंने 12th पास करी है, गैप कितना भी हो, कितने भी साल पहले करी हो। कोड 4 भरना है प्री मेडिकल कोर्स स्टूडेंट्स को, इसको भर भी सकते हैं और इसको छोड़ भी सकते हैं। कोड नंबर 5 की बात करें तो बीएससी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को भरना है जिनके पास बायो और बायोटेक सब्जेक्ट्स हैं। यानी कि बीएससी में जिनके पास बायो और बायोटेक सब्जेक्ट्स हैं उनको कोड 5 भरना है अगर वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में से हैं तो बीएससी के। कोड 6 भरना है बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को जिनके पास सेम बायो और बायोटेक सब्जेक्ट्स हैं। कोड 6 फाइनल ईयर वालों को और कोड 5 भरना था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को बीएससी के। कोड 7 है एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए, जो एनआरआई स्टूडेंट्स हैं उनको कोड 7 भरना है। तो गाइज, मैंने सारे 1 से 7 तक कोड क्वालिफिकेशन कोड के बारे में बात करी कि आपको क्या भरना है। अगर आपने कुछ गलत भर दिया तो आप 31 तारीख तक, अभी विंडो खुली हुई है करेक्शन विंडो, आप ऑनलाइन जाकर उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।